महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को तीन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेलवे 20 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन की शुभारंभ करने जा रही है। बनारस से इंदौर के बीच चलने वाली ये ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएगी। ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लोगों को काशी महाकाल एक्सप्रेस की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि रेलवे भगवान शिव के तीन ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को कनेक्ट करने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। बताया गया कि तीन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस सर्व सुविधा युक्त होगी। एसी कोचों से लैस एक्सप्रेस में वाईफाई की सुविधा रहेगी। वही सारे कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। यात्रियों को पेंट्रीकर में पसंद का खाना भी मिलेगा, यानी शिव भक्तों की पसंद का इस ट्रेन में पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर ट्रेन लेट हुई तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। 1 घंटा लेट होने पर 100 रुपए और उससे ज्यादा देर होने पर 250 रुपए मुआवजे के रूप में यात्रियों को दिए जाएंगे। एक्सप्रेस में स्लीपर कोच के साथ ही चेयर कार भी तैयार किए गए हैं। ये जो ट्रेन हम नई शुरू करने जा रहे हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस, ये बनारस से चलने वाली ट्रेन रहेगी, जिसमें 2 रूट हम कवर करेंगे। एक रूट जो होगा वो बनारस से लखनऊ होकर आएगा, जो हफ्ते में 2 बार चलेगी, जो दोपहर को 3 बजे 3 बजे के तकरीबन निकल कर यहाँ पर अहमदाबाद इंदौर में पहुँचेगी 9:40 को अगले दिन। यह हफ्ते में 2 बार चलेगी। दूसरी एक रूट जो रहेगी वो हमारी बनारस से होकर इलाहाबाद होकर निकलेगी जो गाड़ी, वो अगले दिन इसी वक्त 9:40 को पहुंचेगी इंदौर में, जो हफ्ते में 1 दिन चलेगी। तो मोटा मोटा ये है कि हफ्ते में 3 दिन चलेगी ये काशी महाकाल एक्सप्रेस।